खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे गाजियाबाद से बड़ी खबर की ओर। अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ने पहुंचा पुलिस प्रशासन, जेसीबी मशीन लगाकर प्रतिमा हटाई जा रही है। कचहरी परिसर में अम्बेडकर प्रतिमा लगी है जिसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरा दे रहे वकीलों की जमकर पिटाई भी की गई है, तो पिटाई से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जितेंद्र भाटी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस प्रतिमा को प्रशासन क्यों तोड़ रहा है और जो लोग इस प्रतिमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पिटाई क्यों की गई है, यहाँ पर क्या कुछ कहना है जो तमाम वकील मौजूद हैं यहाँ? देखिए, गाजियाबाद की बड़ी स्थिति, एक ऐसी स्थिति खराब हो गई है जिस तरीके से, आपको बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट में बीचों बीच अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई और ये रातों रात की गया है, और यहाँ के जो वकील हैं इनके द्वारा इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, और उसी से क्योंकि प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुंचा है और उस मूर्ति को हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रशासन के किसी भी अधिकारी की रजामंदी नहीं थी इसमें और प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद गैर कानूनी काम किया गया है अधिवक्ताओं के द्वारा, और आपको बता दें कि ना सिर्फ इस काम को, क्योंकि इससे प्रशासन काफी नाराज है और इस वजह से इस मूर्ति को हटाने की बात की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और मूर्ति को हटाने की बात की जा रही है, और इतना ही नहीं जो वहाँ के अधिवक्ता है वो इससे खास तौर से नाराज है और पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा है, क्योंकि प्रशासन जो कि साफ बात कर दिया प्रशासन ने कि बीचों बीच जिस तरीके से कोर्ट में जो अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है उससे काफी नाराज है प्रशासन, और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि मूर्ति को यहाँ से हटाया जाए। जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे कि यहाँ पहरा दे रहे हैं वकील इस मूर्ति को लेकर, तो क्यों यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, क्या वकीलों से जानने का प्रयास किया गया? बिल्कुल, बड़ी ही मुश्किल से हमें कुछ तस्वीरें हाथ लगी, जिन तस्वीरों के आधार पर हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से वहाँ कुछ अधिवक्ता पहुंचे हैं कोर्ट परिसर में, और ये रात तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अधिवक्ता वहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति लगा रही है, और ये बीचों बीच हो रहा है कोर्ट के बीचों बीच अंबेडकर की मूर्ति, जबकि प्रशासन से कोई भी इसकी रजामंदी नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई प्रशासन को, और बीच में अधिवक्ताओं के द्वारा यह मूर्ति लगाई गई, और उसी से नाराज होकर, उसी से क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन प्रशासनिक अमला जो है वहाँ पर डीएम है, एडीएम है, तमाम इन लोगों से, और अगर मूर्ति स्थापित करी जाती तो प्रशासनिक अमले से इजाजत देनी जरूरी थी और ये इजाजत नहीं ली गई, तो इस वजह से प्रशासन वहाँ पर जो मूर्ति है वो हटाने की बात कर रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये मूर्ति यहीं पर स्थापित रहनी चाहिए, और इसको लेकर एक बड़ा झड़प चल रही है। गाजियाबाद की स्थिति बेहद खराब हो गई है, कोर्ट में भारी पुलिस अमला मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी इस तमाम जानकारी के लिए।